श्रीकाल दोस्तों, मैं डॉक्टर शाइस्ता खान आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वन ईयर मेरिडियनोलॉजी कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं लंग्स मेरिडियन के बारे में। और वन बाय वन सभी टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले मैं बात कर रही थी लंग्स मेरिडियन के बारे में। तो लंग्स मेरिडियन में हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं LU1 LU2। अगर आपसे मिस हो गया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप सभी अगर बाय चांस आपसे मिस हो गया है तो आप उसको शुरुआत से सीख सके, साथ ही साथ अपनी डायरी में नोट करते जाएं। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं LU3 यानी लंग्स मेरिडियन के पॉइंट नंबर 3 के बारे में। सबसे पहले तो किन किन बीमारियों में ये काम आ सकता है। दोस्तों ऑफकोर्स लंग्स का बिंदु है तो लंग्स के एनर्जी को तो बैलेंस करेगा ही, लंग्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा ही, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, जैसे टीबी भी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, टीबी के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो कोई इंसान, या फिर किसी इंसान को क्लोस्ट्रोफोबिया हो, क्लोस्ट्रोफोबिया मीन्स किसी को इंसान को बंद जगहों में अंधेरे में घबराहट होती है, जैसे कुछ लोगों को लिफ्ट में घबराहट होती है, वो लोग लिफ्ट में नहीं जा सकते, उन्हें सीढ़ियाँ ही चढ़ के जाना पड़ता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं, जैसे कि मैंने कहा कि लंग्स की काफ़ी सारी बीमारियों को रेगुलेट करता है, काफ़ी सारी बीमारियों को ठीक करता है, एनर्जी को बैलेंस करता है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। अगर किसी को डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, ठीक कर देता है, अगर इसे रोज़ाना इस पर प्रेस किया जाए या इसको दबाया जाए तो। तो ये सारी बीमारियाँ क्योर करता है LU3। कहाँ पर है इसकी लोकेशन, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करती हूँ। दोस्तों अगर आप किसी मरीज को सीधा बिठाते हैं तो दोनों निपल्स के इधर तरफ, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 3 कोन इधर और 3 कोन इधर पड़ता है LU3। और अगर आप LU5 से अगर नापेंगे LU3 को तो वो पड़ेगा 6 कोन दूरी पर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसकी एक लोकेशन और समझा देती हूँ डमी के द्वारा। जैसे कि ये डमी आप सभी देखते हैं, आप इसे मंगा भी सकते हैं अगर आप और अच्छे से लोकेशन को याद करना चाहते हैं, तो मैं इसका आपको लोकेशन समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी मरीज को बिठाया हुआ है तो निपल्स के दोनों साइड पे 3 कोन इधर और 3 कोन इधर पड़ेगा ये। साथ ही साथ अगर LU5 से अगर आप मापते हैं, जैसे कि यहाँ पे LU5 मेंशन किया गया है, तो LU5 से 6 कोन की दूरी होती है LU3 की। ये डमीज आसानी से अवेलेबल है, आप इनको ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं अगर आप ये सारे याद करना चाहते हैं। अदरवाइज इस कोर्स को धीरे धीरे सीखते सीखते आपको सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, उनकी लोकेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जब आप कोन मीटर का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है और आपको किस तरीके से उसको क्योर करना है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने बात करी LU3 के बारे में, बहुत जल्द मैं आप सबके साथ आगे भी शेयर करती रहूँगी बहुत सारी चीज़ें। और अगर कोई भी वीडियो आपकी मिस हो गई है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि मैं उसको आपके साथ शेयर कर सकूं। और इस कोर्स के अलावा भी अन्य वीडियोस लेकर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बी हेल्दी, बी होलिस्टिक। जय हिंद।